digits I ought to count, guys, I ought to know. Yaad karegi duniya. कैसे हो चुन्नू मुन्नू? कैसे हो चुन्नू? गुड इवनिंग. सॉरी यार, इतना काम. आज तो मुझे लगा आज कोई क्लास नहीं, आज तो मेरी शाम एकदम इवनिंग मैं गार्डन में टहलूंगी. भाई टहलने का तो टर्म ही नहीं हुआ, इतना काम. 5 बजे से मेरी गर्दन ऐसे झुकी हुई है. उफ. Let's get started. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedanta Biophonic, India's truly most loved bio channel, which I just saw on Telegram Live. You welcome to this super amazing session, Biodiversity and its Conservation. And kal 5 baje ka time se ekdam seal proof kar lo, because tomorrow is going to be a very big day. We have a lot of super amazing things that we're going to be doing tomorrow. If you have any problems, you're not able to study, you're not able to focus on your studies, make sure that you join me on my Insta Live. On my Instagram account, Insta Live तो मैं कर लूँगी एक दो दिन में. Righto. चलो तो आगे बढ़ते हैं guys. Make sure that you are liking, make sure that you are sharing, make sure that you are subscribing, and make sure that you are all becoming a part of our in-house Vedantu classes. Join कर लो, जहाँ पर आपके doubts live solve होंगे, आपके parent teacher meetings होंगी बहुत ही amazing level की, जहाँ पर आप अपने teacher से बात कर पाओगे, personal teachers आपके doubt लेंगे, class teachers आपके doubt लेंगे, जहाँ आपके test होंगे, discussion होगा, analysis होगा. और जिस price पे मैं आपको कल ये सब कुछ देने वाली हूँ ना, मतलब आपके पैरों तले जमीन वमीन खिसक जाएगी. Yes, आपकी पूरी की पूरी मैं पेरेंट टीचर मीटिंग्स करवाऊंगी यहाँ पर. पेरेंट टीचर मीटिंग्स के कितने बेनिफिट्स होते हैं आपको, पेरेंट्स को सब पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई क्या चल रही है, आपके पेरेंट्स के डाउट्स आप पूछ सकते हो. मैं आपको क्लास टीचर से डाउट्स करवाऊंगी, पर्सनल टीचर से काउंसलिंग कराऊंगी, सब्जेक्टिव सेशंस में आपको बोर्ड एग्जाम से पहले कराऊंगी. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि वेदांतों के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है. ठीक है, थोड़ा सा फोकस का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है. राइट, गुड इवनिंग मेरे चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स. गुड इवनिंग. चलो अभी फोकस की कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे. अच्छा गाइस, एक बहुत बड़ा पंगा हो गया है. आपको पता है मेरा किसी ने फेक ग्रुप बनाया हुआ है, उस पे 1 लाख मेंबर्स हैं और कुछ कर रहे हैं. ये वेदांत वाला, ये 91.1K वाला फेक ग्रुप है बेटा, प्लीज. यस, हाय सैयद, गुड इवनिंग. असली ग्रुप ये है बायोटॉनिक फॉर नीट, ये है असली ग्रुप बेटा. ये 91 वाला फेक ग्रुप है, पता नहीं 1 लाख बच्चे वहां बन भोंदू बन रहे हैं. राइट, बाय द वे डिड यू सी दिस वीडियो? यस यार, मतलब मेरी तो जिंदगी में रिटायरमेंट प्लान कर सकती हूँ, क्योंकि कल जो आने वाला है ना, उसके बेसिस पे तो मैं 100% अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकती हूँ. यस प्लीज, एक तो ये नकली ग्रुप फेक ग्रुप ज्वाइन करना बंद करो, 91 वाला फेक ग्रुप है. और यार ये तो मतलब दिल मेरा जीत लिया, सच बता रही हूँ. क्या फीलिंग आई ना मुझे सच में. और कल आपने मुझे बोला था ना 1500-2000 कुछ ऐसा कुछ बोला था ना, याद आ रहा है? यस, सो डोंट वरी भार्गवी, इट वॉज मेंट टू बी वेरी इमोशनल. सी दिस, this is the real India. So tomorrow is going to be the biggest education revolution is finally here, and I want my children's support. Will you support me? I have been supporting you for 3 long years. I've been supporting you for 12 years now. Will you support me? Vanians, I will check it right now. Vanians, comment section pe please iska link dal dena, please. Yes, चलो तो आज की क्लास को शुरू करते हैं. गाइस कल का ये बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जो मैं एक आपके लिए बहुत अमेजिंग एजुकेशनल फेस्ट लेकर आ रही हूँ. प्लीज 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 मिस मत कीजिएगा. मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग, मेक श्योर दैट यू शेयरिंग, एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइबिंग. लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड विद आवर क्लास. स्टार्ट करें बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन. ये फोटो कैसी लग रही है? ऐसा लग रहा है कोई ट्राइबल आर्ट की हुई है किसी ने, क्या कहते हो? राइट, इजी टॉपिक है और बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक है, प्यारा टॉपिक है, तो फटाफट से आगे बढ़ते, क्या कहते हो? चले कृति, इजरम, आयुषी, अपने नोट्स ओपन कर लो. चलो आज कितनी अच्छी से लग रहा है, सच में लग रहा है जैसे कोई ट्राइबल आर्ट.
या रॉक पेंटिंग टाइप की कोई पेंटिंग है. राइट अनन्या रखवा, लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ आर यू डूइंग, आई एम मिसिंग यू, होप यू डूइंग वेल, से माय हेलो टू योर डैडी. बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन. बायोडायवर्सिटी, इट इज अ डायवर्सिटी. हेटरोजेनिटी का मतलब होता है अलग अलग टाइप ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. कोई एक सेल का है, कोई हजारों मॉलिक्यूल्स का है, टू लार्ज बायोम्स. कितने ज्यादा डिफरेंस है. पीपीएलओ से लेकर ह्यूमन बींग है, पीपीएलओ से लेकर एलिफेंट है, पीपीएलओ से लेकर व्हेल है. आशना यू अंडरस्टैंडिंग? एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन, पिन ड्रॉप साइलेंस. इज दैट क्लियर? एंजॉय योर प्रो मेंबरशिप अनन्या. दिस ईयर यू गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर एंड शोइंग इट टू मी. एडवर्ड विल्सन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू पॉपुलराइज द टर्म बायोडायवर्सिटी. Right? It is a combined diversity at all levels of biological organization. What is a biodiversity? Now, if I take you to Mumbai and if I take you to a jungle, or suppose, let us say, I go to Bangalore, which is my office. Oblique, you've all seen glimpses of my home. Where do you think, Ananya, where do you think, Sonia, there is going to be more biodiversity? In my office in Bangalore or in my home where I am right now? Dipanshi, why don't you tell me the answer? Where do you think, according to you, there is going to be more diversity? It is the combined diversity at all levels of biological organization. So plants, trees, animals, insects, combined. Office mein zyada biodiversity hogi. कैसे? घर में होती है ना ज्यादा बायोडायवर्सिटी. घर के मतलब पेड़ पौधे, जंगल, गार्डन, फॉरेस्ट, पॉन्ड है. ऑफिस में कहां से बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी? यस, ऑब्वियसली इट हैज टू बी वेयर एवर कंबाइंड बायोडायवर्सिटी एट ऑल लेवल. कहां पे पेड़ पौधे ज्यादा है, कहां पे डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स होंगे, कहां पे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होंगे. राइट, ऑफिस में कैसे होंगे? नहीं हो सकते. इज दैट क्लियर एवरीबडी? यस, परफेक्ट. सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बायोडायवर्सिटी? बायोडायवर्सिटी इज अ कंबाइंड बायोडायवर्सिटी. अगर मैं आपको लेके जाऊं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट असम का है और राजस्थान है, राइट, अब कहां पे ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी बताइए. मनवी जी बताइए कहां पे ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी. अमेज़न वन शॉट लेक्चर है, पूरा चैप्टर करवा दूंगा अगले 45 मिनट्स, वन आवर में. कहां पे होगी? ऑब्वियसली अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी. इसमें कोई मतलब देयर इज नथिंग टू थिंक अबाउट इट. ऑब्वियसली असम के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में. सो इट इज अ कंबाइंड बायोडायवर्सिटी. कंबाइंड डायवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. कितनी डायवर्सिटी है इज द बायोडायवर्सिटी. अब बायोडायवर्सिटी के तीन लेवल होते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, 100% एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले. जेनेटिक डायवर्सिटी स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के अंदर देख लो. राइट एवरीबडी? एंड इकोलॉजिकल डायवर्सिटी. इज दैट क्लियर? डायवर्सिटी जो जेनेटिक लेवल पे होती है. इज दैट क्लियर? इज द जेनेटिक डायवर्सिटी. एक ऑर्गेनिज्म है, एक प्लांट है, उसका नाम है रउबल्फिया वॉमिटोरिया. सो जेनेटिक डायवर्सिटी इन पोटेंसी, ये एक ड्रग है. ये जैसे जैसे हाइट्स पे मिलता है, जितनी हाइट पे, द हायर यू गो इन द एल्टीट्यूड इन द हिमालयस, द वन विच यू विल गेट एट हायर एल्टीट्यूड इज गोइंग टू बी मोर potent, it is going to be more effective a drug. There is no lag, Ayushi. Potency means kitna effective hai ye drug. There are 50,000 different strains of rice. There are over 1,000 varieties of mango. I will tell you something. Iliocarpus se rudraksh banta hai. When I was in Nilgiris, which is a mountain range in South India, I for the first time in my life saw rudraksh growing on trees. But the Rudraksha quality of the Himalayan Rudrakshas are much better than the Rudraksha quality. If you look at my Instagram, I put a post there on the tree, right? The seeds are there and they dry up and they become Rudraksha. But the Rudraksha quality of the Himalayan Rudrakshas is much more than the Rudraksha quality of the Nilgiri Rudraksh. It is definitely about different geographical areas. So did you understand genetic diversity? There are 1,000 varieties of mango. Some of them grow in tropical areas, some of them grow in North India, some of them grow in East, West. So there are different varieties, but the genes are the same, in the sense that it is the same organism. Is that clear, Amar? Is that clear, Divya? Is that clear, Dipanshi? Dorothy, Ananya? Is that clear, everyone?
Like that, there will be different varieties of rice. You can Google it right now. The best quality of rice in India comes from the state of Jammu and Kashmir, followed by Himachal Pradesh, followed by Punjab. But there are over 50,000 different strains of rice. The best quality basmati in India grows in a district called RSpura, Ranjit Singhpura, which is in Jammu. You can see it right now. No, it is not golden rice. Golden rice is not grown in the markets. Is that clear? Yes, Ananya is absolutely right. Is that clear? So like that, you have genetic diversity. I hope nobody will be able to forget it now. Is it clear? I give you three examples. Species diversity. Diversity of species level. Western Ghats mein, there is a more quality of amphibians are more. Right? Because Western Ghats mein rainfall is much more. Western disturbance ki wajah se jo rainfall hoti, that is much more. Because of more rainfall, there are more puddles and ponds which are created. Because there are more puddles and ponds created, the amphibian species is much more than the Eastern Ghats. Eastern Ghats mein, कम होते हैं, वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा होते हैं. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल. इन इंडिया डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ आपके लक्षद्वीप में भी है, आपके अंडमान में भी है, वेटलैंड्स आपके चिल्का में है, एस्टुरीज है आपकी सुंदरबंस में, एल्पाइन मिडोज है आपके जम्मू कश्मीर में, राइट. डेजर्ट्स है राजस्थान में, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की तरह रेन फॉरेस्ट है आसाम में. सो डू यू फाइंड अ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी? डू यू हैव इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ दिस टाइप अर्चिता इन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड? No. Amar, yes. There is Kerala also has a lot of backwaters. Numerical facts of the chapter, 100% MCQ question, everybody. Done? Numerical facts of the chapter. ये तीनों slides जो हैं वो मैंने chapter की ली हुई हैं. तीनों की तीनों slides आपको पता होने चाहिए, chapter की slides है. Is that clear everybody? Good evening जी, आप late हो, जो भी बच्चा good evening कर रहा है अभी आके. थोड़ा सा आप late हो चुके हो, but never mind. दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब फटाफट आ जाओ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ऑन द चैप्टर. इंडिया हैज मोर देन 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस, 1,000 वैरायटीज ऑफ मैंगो. एमसीक्यू क्वेश्चन डायरेक्ट, 50,000 राइस एमसीक्यू क्वेश्चन, मैंगो 1,000. मैंगो का सीजन आने वाला है. यस एवरीबॉडी, अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड सो फार. इतनी स्पीशीज हम डिस्क्राइब कर चुके हैं. 784 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स, 87 प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो गए 500 साल में. रॉबर्ट मे ने कहा है अराउंड 7 मिलियन स्पीशीज हैं एंड एनिमल्स आर मोर डाइवर्स देन प्लांट्स. अब इधर आ जाओ, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा कौन है? इंसेक्ट्स. ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंसेक्ट है. ये आपका प्योर एमसीक्यू क्वेश्चन है, राइट. वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा फिशेज है, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है. और टोटल ओवरऑल मिलाकर आपको दिख रहा होगा, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, प्लांट्स में फर्न वर्न सब कुछ मिला के फंगस है. ये तीनों आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है. वर्टिब्रेट्स में मैक्सिमम फिशेज, इनवर्टिब्रेट्स में मैक्सिमम इंसेक्ट्स और फंगस. डन? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? करेक्ट. 70 इंसेक्ट सबसे ज्यादा, ये देख लो 70%, दैट इज आउट ऑफ एवरी 10, 7 आर इंसेक्ट्स. फिशेज को आप कंबाइन कर दो, एम्फीबियंस को कंबाइन कर दो, रेप्टाइल्स को कंबाइन कर दो, मैमल्स को कंबाइन कर दो, फिर भी फंगस इज मोर देन फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया बट 8.1% ऑफ स्पीशीज डायवर्सिटी. एमसीक्यू, इंडिया 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्रीज में से एक है. 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मेनी एनिमल्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया. प्लीज रिमेंबर दिस एंड ऑब्वियसली फील प्राउड. Yes, obviously fungi. Land plants में angiosperms है dominant. But amar fungus और angiosperm में कोई भी difference नहीं है. In that sense, it is yes. Land plants में overall अगर number wise करो तो fungus का number more होगा क्योंकि वो microscopic है. अगर आप volume और weight करोगे तो वो angiosperm हो जाएगा. Is that clear? और land plants में obviously आया तो angiosperms is the maximum. Blur नहीं है बेटा, ब्लर नहीं है. ठीक है, ये देखो पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी. बायोडायवर्सिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती है, ऐसा नहीं दुनिया भर में एक जैसे लोग हैं. लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड
altitudinal gradients इसको affect करते हैं. बहुत high altitude पे भी biodiversity नहीं होती है. Is it clear Sonia? मेरे को शायद आपका mail आ चुका है बेटा. I will see it. Last few days बहुत ज़्यादा excessive काम वाले दिन थे बेटा. बहुत काम का pressure बढ़ गया था. बहुत सारी deadlines थी मेरे पास. काफ़ी projects थे जिनको ख़त्म करना था. कल परसों में मैं बैठ के आपके मेल का जवाब दे दूंगी वीकेंड पे. ओके प्रांजल, चलिए आगे बढ़ा जाए. स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल. बहुत अमेजिंग है. सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है इक्वेटर पे. दिख रहा है आपको स्पिंडल शेप हो गया. क्या ऑसम है. सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां है. क्या थी जिसके मेरे एमसीक्यू क्वेश्चन. सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां है बता दो. सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां है बता दीजिए प्लीज. कि मैम यहां पर है डाइवर्सिटी. Yes, obviously it is in the equator. Tropics होते हैं equator पे. क्यों है equator पे कोई मुझे बता सकता है. Yes, hot and humid conditions हैं. बारिश भी ज्यादा है. Hot and humid conditions, right? जैसे जैसे फिर उससे कम क्या होती है. Tropic कहते हैं. Tropical. Tropical. आसाम tropical है. मेघालय मिजोरम tropics, right? गोवा ट्रॉपिकल आइलैंड. इसीलिए यूरोप से बहुत लोग आते हैं. यूरोप इज नॉट ट्रॉपिकल. अगर आपने हवाई आइलैंड देखे होंगे मूवीज वगैरह में. मैं तो कभी हवाई आइलैंड गई नहीं हूं. पर अगर आपने वो वाले एरियाज देखे होंगे कैरेबियन आइलैंड जहां से विवियन रिचर्ड्स थे. और कोई क्रिकेटर का नाम बताओ जो ट्रॉपिकल आइलैंड के क्रिकेटर है. एक और थे ना ब्रायन लारा, राइट. वेस्ट इंडीज. तो ये ट्रॉपिकल कंट्रीज होती है. तो ट्रॉपिकल कंट्रीज में सबसे ज्यादा है. ट्रॉपिक्स के ऊपर कौन होता है यहां. टेम्परेट. टेम्परेट इज लाइक नॉर्थ इंडिया. उससे कम. और सबसे कम होगा आपके पोल्स पे. सबसे कम होगा आपके पोल्स पे, राइट. पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन कंट्रीज ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं. तो सबसे ज्यादा होगा ट्रॉपिक्स पे. उससे कम होगा टेम्परेट पे. ये टेम्परेट है ये. तो ये टेम्परेट है. और सबसे कम होगा पोल्स पे. Tropics have more species than temperate or polar areas. Colombia एक country है near equator. उसके पास 1400 species of birds है. हाय राम मुझे कोई ले जाए वहां. और न्यूयॉर्क जहां बर्फ गिरती है. हडसन बे फ्रीज हो जाती है. वहां सिर्फ 105 है. Yes, और ग्रीनलैंड जो कि फ्रोजन है पोलर आइस कैप्स टाइप वहां सिर्फ 56 है. इंडिया में जहां जहां ट्रॉपिकल एरियाज हैं, केरला 1200 स्पीशीज हैं. सो कैन यू सी कि सबसे ज्यादा वैरायटी एवरीबडी इज इन द ट्रॉपिक्स. उससे कम वैरायटी इज इन टेम्परेट्स. एंड सबसे कम वैरायटी इज इन द पोलर रीजन्स. कैन यू सी दैट, राइट. पैराकीट्स जो मुझे बचपन में बहुत पसंद थे वो पर्पल ब्लू कलर के बड़े बड़े पैरेट्स. इनको पैराकीट्स कहते हैं. वो ट्रॉपिकल बर्ड्स हैं. जितना कलर ब्राइट होगा वो ट्रॉपिकल होंगे. पोलर एरियाज में कभी ब्राइट कलर नहीं होता. याद रखना पोलर एरियाज में व्हाइट कलर होता है. पोलर बेयर, आर्कटिक फॉक्स, राइट, पेंगुइन्स व्हाइट कलर होगा. और टेम्परेट एरियाज में पता है क्या होता है. टेम्परेट टेम्परेट एरिया में पतझड़ होता है. पतझड़. तो पतझड़ वाले एरिया में ब्राउन कलर की चीजें ज्यादा होंगी. यस एवरीबडी. मैम यू लुक टाइड टुडे. बेटा टुडे वाज अ वेरी वेरी लॉन्ग डे. मुझे कोई 5 करोड़ रिकॉर्डिंग करनी थी. 10,000 मीटिंग लेनी थी. 2 करोड़ काम करना था. और आज क्या हस्बैंड खाना खा रहे हैं. बहुत स्वाद खाना है. मुझे एक सेकंड के लगा असली में स्वाद है. फिर मुझे लगा सरकास्टिक है. एक सेकंड के लिए मैं खुश हो गई. मुझे लगा ये कैसा हो गया आज. ठीक है फिर मैं बाहर गई. मैंने शक्ल देखी और किचन में थी. 2 सेकंड के लिए मुझे लगा सच में बहुत स्वाद बना है.
मैं कहा बाबा बेटा मैं अपने हाथ देख रही हूँ, आज तो कमाल ही हो गया हूँ। क्योंकि इतना स्वाद तो मैंने आज तक नहीं खाया। मतलब ये क्या हुआ, मैं अपने हाथ देख रही हूँ, अपने हाथ चूम रही हूँ, आज तो कमाल हो गया। फिर मुझे बाद में पता चला ये तो सरकैज़म है। हाय राम, मेरा दिल टूट गया, हंस हंस के मेरे आंसू निकल गए। बट एनीवे मुझे नहीं लगता इस जन्म में तो मैं ना सीख पाऊंगी यार, मैं कितना बड़ा लूजर हूं ना, मुझे खाना बनाना भी नहीं आता। यार मुझे कुछ सिखा दो प्लीज। हे भगवान, मुझे क्यों खाना बनाना नहीं आता। एक्चुअली इसमें वेदांतों की बहुत बड़ी गलती है, इसके लिए तीन लोग जिम्मेदार हैं। एक का नाम है पुलकित जैन, एक का नाम है वंशी कृष्ण और एक का नाम है आनंद प्रकाश। देखो ना, मेरे पास ऑफिस का इतना काम होता तो मैं फ्री रहती। अगर मैं फ्री रहती तो मैं एक्सपेरिमेंट तो करती, कुछ आगे लगा देती, कुछ तो करती। पर एक्सपेरिमेंट करत करत अभ्यास के जड़मती बहुत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कुछ तो करती मैं, कुछ रोज रोज जलाकर कभी तो सुधरती। इसके पीछे सिर्फ तीन लोगों की गलती है, उनकी इनका वो है, ये क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हैं, पढ़ लो, चलो मारो गोली। यस, यार देख पहले ना मुझे बहुत बुरा लगता था, अब मैं इतना कर चुकी हूं ना, हर बार गड़बड़ होता है। मतलब तो मुझे लगता है कि यार मुझे छोड़ ही देना चाहिए। मुझे ना किसी चीज से स्ट्रेस नहीं होता। मुझे कहीं जाना हो, मुझे कोई काम करना हो, भाई अगर मेरे घर कोई आ जाए ना बिना बताए तो मेरे स्ट्रेस यहां तक आ जाता है। मुझे समझ नहीं आता भाई मैं खिलाऊंगी क्या, मतलब मैं क्या बनाऊंगी, और मुझे टेंशन हो जाती है, शिट ऐसा होता है भाई साहब। देखो मैं सब लाइव लेक्चर में बोल रही हूँ, भगवान चुप हो जाओगी तुम, पढ़ लो, पढ़ाई करो, चलो कहीं यार ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, हम दोनों की बात, हमारे आपस की बात है ये, ठीक है चलो। यार यहाँ जोमैटो भी नहीं चलता, सिर्फ गांव में कौन सा जोमैटो चलता है, तुम्हारे गांव में जोमैटो चलता है तो मुझे बताओ। जोमैटो तो जले पे नमक छिड़कना कहते हैं, ठीक है चलो आ जाओ। तो मैंने आपको क्या बताया कि यार ट्रॉपिकल पेज जो है, ट्रॉपिकल जो है वहाँ सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद टेम्परेट होता है और लास्ट में पोल्स आते हैं। हाँ ऐसे तुम तो ऐसे करती थी, मैं तुम तो जैसे यू नो बॉम्बे दिल्ली बैठे हो, तुम्हारे गांव में चलता है जोमैटो, तुम्हारी दादी मम्मी जोमैटो कराती है, पिटाई करनी मैंने यहीं से बैठ के, ठीक है। इन आर विलेज टोमैटो गोस, हाँ टोमैटो ही उगता है यहाँ जोमैटो के बच्चे। चलो, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन लाइक इक्वाडोर हैज अप टू 10 टाइम्स स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एज कंपेयर टू फॉरेस्ट इक्वल एरिया इन टेम्परेट। ऑब्वियसली जितने भी एरियाज मैंने आपको शुरू में बोला, जैसे ब्रायन लारा की कंट्री, कौन सी है ब्रायन लारा की कंट्री, राइट ब्रायन लारा की कंट्री है वेस्ट इंडीज। तो जितनी भी ट्रॉपिकल कंट्रीज होती है, मैंने आपको उसके अलावा क्या नाम लिया, हवाई, राइट लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, केरला हो गया, ट्रॉपिकल कंट्रीज में वैस्कुलर प्लांट ज्यादा होते हैं। अगर आप केरला में प्लांट्स की बात करोगे कंपेयर टू प्लांट्स ऑफ लेटस से पंजाब, तो ऑब्वियसली यार केरला में मच हायर वेजिटेशन होगी, ट्रॉपिक्स में ज्यादा होगी, टेम्परेट में कम होगी। इज दैट क्लियर एवरीबडी? ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, असम के फॉरेस्ट आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हो राजस्थान के फॉरेस्ट से, राइट असम के फॉरेस्ट आप हरियाणा के फॉरेस्ट से कंपेयर कर सकते हो। आपको फोटो देखिए हरियाणा की और फोटो देखिए न्यूज़पेपर में या कहीं पे अमेजॉन रेन असम की। सो ऑब्वियसली जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होंगे वहां पे ज्यादा होंगे। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में 4000 स्पीशीज ऑफ प्लांट होती है, 3000 स्पीशीज ऑफ फिशेज है, 1300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है, 427 स्पीशीज ऑफ मैमल्स है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स की ज्यादा है और इनवर्टिब्रेट्स की तो 1,25,000 स्पीशीज है। तो फाइनली शायद स्पीशीज के नाम आपको इतना याद रखने की जरूरत है, बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट ट्रॉपिकल बायोडायवर्सिटी इज मच मोर। ऐसे ब्राइट कलर्स आपको कभी भी टेम्परेट एरियाज में नहीं मिलेंगे, ब्राइट कलर्स आपको ट्रॉपिकल एरियाज में मिलेंगे, डल कलर्स ब्राउन के कलर्स आपको टेम्परेट एरियाज में मिलेंगे क्योंकि फोलिएट से मैच करने होते हैं, और आपको पोलर एरियाज में तो सिर्फ व्हाइट कलर मिलेंगे। ट्रॉपिक्स हैड मोर एवोल्यूशनरी टाइम, क्योंकि बेटा टेम्परेट एरिया पे क्या होगा, बर्फ गिर जाएगी आपके पोलर एरिया पे, तो 6 महीने तो कुछ भी ग्रोथ नहीं करेगा, 6 महीने कुछ भी एवॉल्व नहीं करेगा, येस और नो? पर ट्रॉपिक्स जो सेंटर पे होता है वहां कभी भी एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर नहीं होता है, येस और नो? पक्का सुन।
सोनिया, यस और नो, ट्रॉपिक्स में देर इज नेवर एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर. ट्रॉपिक्स के पास ज्यादा एवोल्यूशनरी टाइम है. कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन. ना सर्दी ज्यादा ना गर्मी ज्यादा, रिलेटिवली कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट. They receive more solar energy, which contributes to greater productivity. Obviously, sun ki ray straight aa rahi hai, because of which there is more solar energy. There is more amount of production of what? Production of what? Batao jaldi. Photosynthesis zyada hota hai. Ye bahut important hai. Species area relationship. ठीक है. अब इसको मैं बहुत simple तरीके से आपको समझाती हूँ. MCQ point of view से बहुत ज़्यादा important है. So please, 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 please pay attention. Now, for सब कुछ भूल जाओ. सोच लो आप first time मेरे घर आ रहे हो. तो फर्स्ट टाइम जब आप मेरे घर आ रहे हो, आप मेरे घर कैसे देखोगे? आप देखोगे, अरे वाह, यहाँ पे पॉन्ड है, अरे यहाँ पे तो डक है, अरे यहाँ पे तो एक मैंगो ट्री है, अरे गुआवा ट्री भी है, ओ माय गॉड, एक नींबू ट्री, एक पिपाया ट्री, एक नीम ट्री, सब देखोगे, राइट? सो यू विल बी लाइक लुकिंग एट एवरीथिंग कि कुछ है, ऑफिस है, कैमरा है. सेकेंड टाइम आओगे फिर देखोगे, अरे ये तो मैंने पिछली बार देखा ही नहीं था, ओहो हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी. थर्ड टाइम आओगे फिर कैसे देखोगे? हाँ हाँ अच्छा है, वैसा ही है. फोर्थ टाइम देखा है. फिफ्थ टाइम, so with time will you find new things? With time will you find new things? पहली बार खाना खाओगे, दूसरी बार खाना खाओगे, नहीं मैम थैंक यू, नहीं नहीं थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. तीसरी बार खाना खाओगे, मैम अभी खा के आए, मैम अभी खा के आए, मैम पेट भरा, मैम थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. चौथी बार खाना, मैम 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 यहाँ तक फुल है, मैम यहाँ तक फुल, मैम मैम अभी मम्मी ने पूरा खा के भेजा, मैम मैम यहाँ तक फुल, मैम मैम पूरा फुल है, मैम. यस और नो, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पहली बार जब आप किसी एरिया को एक्सप्लोर करने लगते हो, राइट, पहली बार जब आपकी, तो आपको कुछ मिलता है. सेकेंड टाइम एक्सप्लोर करते हो थोड़ा, तो एक लेवल तक ही मिलेगा ना. एक गिवन एरिया में अनलिमिटेड चीजें तो नहीं हो सकती, राइट? एक गिवन एरिया में अनलिमिटेड चीजें हो सकती हैं? तो जब आप एक्सप्लोर करते हो, पहले थोड़ा मिलता है, फिर थोड़ा मिलता है, फिर थोड़ा मिलता है, फिर तो देखते हो, देखते हो, देखते हो, देखते हो. अब आप उस सिटी में रहते हो, मान लो अमार एक सिटी में रहता है, अमार पहली बार किसी नई सिटी जाता है, उसको सब कुछ नया लगता है, देखता है, सेकंड टाइम देखता है, थर्ड टाइम, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू गेट यूज्ड टू इट. आपको हर रोज तो नई चीज, अब स्कूल में, आप अपने स्कूल में पिछले 10 साल से जा रहे हो, आज भी आपको नई चीज मिलती है स्कूल में? बेंच, माय प्रिंसिपल मैम, वाओ प्रिंसिपल मैम, पता है. कॉलेज जाओगे तो नया मिलेगा, यस और नो? अप टू. सो विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस. एक रीजन में स्पीशीज की जो रिचनेस होती है वो इंक्रीज करती है. एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू लिमिट. कोई तो ऐसा टाइम आएगा जब आपने उस पूरे एरिया को छान मारा. कभी तो एरिया आएगा पूरा देख लिया. पहले थोड़ा देखा, आप इस एरिया में एंटर कर रहे हो, थोड़ा देखा और थोड़ा देख लिया और ढूंढ पे मिल गया और अब तो खत्म हो गया ना, बस ढूंढ लिया एरिया, अब और ढूंढने को कुछ नहीं है. Yes or no, I will restart NCERT marking. The relationship between species richness and area turned out to be rectangular hyperbola for a wide variety of taxa. आपने ढूंढा 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 ढूंढा, स्प्लैट हो गया. अब और ढूंढने को कुछ भी नहीं बचा है. Is that clear? Log S is equal to log C plus Z log area. Species richness, area, तो आपका S species richness, A आपका area, Z is slope of the line and C is equal to Y intercept. Up to a certain area only you can find new. This was given by Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt, written in your purest form of NCERT. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट? तो आपका डोडो जो है वो आपका एक्सपायर हो गया है. एक्सपायर इन द सेंस एक्सटिंक्ट हो गया है. सी काओ, राइट? टाइगर की स्पीशीज थी, बाली में पाया जाता था, जावा में कैस्पियन टाइगर एक्सटिंक्ट हो गए हैं. डोडो मॉरिशियस एक्सटिंक्ट हो गया है. कोगा, IUCN Red List says that 784 species, 338 vertebrates, 339 invertebrates and 87 plants have become extinct in the last 500 years. 27 species have discovered this disappeared in the last 20 years. It is very sad because humans जो हैं
वो बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी करवा रहे हैं, ह्यूमंस इनका हैबिटेट लॉस करा रहे हैं, हैबिटेट का फ्रैगमेंटेशन करवा रहे हैं. मोर देन 15,500 स्पीशीज आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. बर्ड्स एक्सटिंक्ट होने वाले 12%, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस, 31% जिम्नोस्पर्म स्पीशीज फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. करंट एक्सटिंक्शन रेट इज 100 to 1,000 टाइम्स फास्टर देन इन द प्री ह्यूमन टाइम्स. If this trend continues, nearly 50% species might be extinct within the next 100 years. आज मैं अपने कॉलेज ग्रुप का पार्ट हूँ व्हाट्सएप. उस कॉलेज ग्रुप के व्हाट्सएप पार्ट में बात हो रही थी. कॉलेज चेंज हो गया, सामने फ्लाईओवर बन गया, फोर लेन हाईवे बन गया, और मुझे इतना दुख हो रहा था इन अ वे, बिकॉज इतने पेड़ थे, छोटी सी रोड थी पर चारों तरफ पेड़ थे. तो डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट माई डियर किड्स. टुमारो सो मेनी ऑफ यू विल बिकम ग्लोबल एम्बेसडर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. टुमारो सम ऑफ यू आर गोइंग टू बिकम लाइक, लेट्स से, बायोटेक्नोलॉजिस्ट. यू आर गोइंग टू बी लुकिंग इन टू रीजनरेशन ऑफ स्पीशीज एंड थिंग्स लाइक दैट. यू विल बी वर्किंग फॉर कॉन्जर्वेशन. प्लीज रिमेंबर दैट बायोडाइवर्सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Having a good gene pool is very important. Yes, development is very important. You cannot let the country be underdeveloped. India has to become a developed country. But at the same time, there cannot be man and animal conflict. That conflict between man and animal needs to come down. And let me tell you from my heart, my dear children, I have all my life lived in small cities. I cannot relate to the hustle and bustle of big cities. It is so important for peace of mind. It is so important for calming to stay in nature. Every time you hear the water flow, every time you hear birds chirp, it is very, very important for human mindset also. Therefore, also conservation of biodiversity is very, very important. Right? तो रेड लिस्ट कैटेगरीज में क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बता देती हूं. क्या आप सी स्लाइड देखी जा रही है? Can you see this slide, everybody? Your book is so great. Thank you so much, Environment Edition. दो किताबें और लिख रही हूं. अभी तो आपने मेरी नोट्स वाली बुक नहीं देखी. नोट्स बनाना छोड़ दो. दो या तीन महीने में मेरी बुक आ रही है नोट्स पे, आप देखना. Yes, and I'm writing a teenage girl guide for young girls in India. चलो आ जाओ. Did I dance? Yes. Anyways, pay attention. एक्सटिंक्ट वो है जो कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुके हैं. प्लीज पे अटेंशन, पिन ड्रॉप साइलेंस. जो कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुके हैं फ्रॉम अर्थ, एग्जाम्पल डोडो, दे आर कॉल्ड एज एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है जो वाइल्ड में नेचुरल हैबिटेट में नहीं पाए जाते, उनको हमने सिर्फ जूज में रखा हुआ है. क्रिटिकली इनडेंजर्ड वो है जो बहुत हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है इन द वाइल्ड. किसी भी मोमेंट एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. छोटे पिग्स होते हैं, उनका नाम होता है पिग्मी हॉग. वल्नरेबल वो है जिनकी पॉपुलेशन सफिशियंट है, बट अगर उनका ध्यान नहीं रखा गया तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे मीडियम टर्म फ्यूचर में, अगले 3-4-5-6 साल में. क्लाउडेड लेपर्ड है एमसीक्यू. इंडेंजर्ड वो है जो नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, एकदम नियर फ्यूचर में. लायन टेल्ड मकैक एक स्पेशल टाइप का मंकी होता है जिसकी पूंछ लायन की तरह है, जो एक्सटिंक्ट हो सकता है. क्लाउडेड लेपर्ड ले लद्दाख में पाया जाता है. लोअर रिस्क है जो अभी पूरी तरह नॉर्मल घूम रही है, जैसे हमारे घरों पे रोज बिट करने वाला कबूतर. कितने लोग कबूतरों से परेशान हैं, सारा दिन छत पे बैठ के बिट करता रहता है. थैंक गॉड इस घर में कोई कबूतर नहीं है. यस एवरीबॉडी डन. जिनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, डेटा डेफिशिएंट, जो बहुत रेयर स्पीशीज होती है, एक्सोटिक है, कुछ छोटे छोटे जगह में पाई जाती है, जैसे मस्क डियर. मस्क डियर राइट, रेयर है. उनको ढूंढ पाना, नीलगिरी ताहिर, उनको ढूंढना बड़ा रेयर सी स्पीशीज है, जिनको इवेल्युएट नहीं किया, और इनडिटर्मिनेट, जिनके बारे में आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन बट उनका रीजन नहीं पता. राइट, तो लीस्ट होता है, एक होता है लीस्ट कंसर्न, एलसी. एलसी आपने देखा होगा, लीस्ट कंसर्न. उसमें आते काले कौवे, कै कै कै. उसमें आते वो कबूतर जिनसे सबके घर वाले परेशान हैं.
राइट इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. प्लांट प्रोडक्शन कम होगा, प्लांट प्रोडक्शन कम होगा तो हर्बीवोर्स कम होंगे, हमारे पास लोअर रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल डैमेजेस, ड्रॉट रेजिस्टेंट करवाते हैं पेड़. आपने देखा होगा रिवर्स को रिफर्बिश करते हैं, पेड़ होंगे तो बारिशें होंगी, बारिशें नहीं होंगी तो ड्राउट आ जाएगा, राइट. एंड प्लांट इकोसिस्टम बहुत वल्नरेबल हो जाएगा. जितने भी बड़े बड़े जंगल होते हैं वो इकोसिस्टम को संभाल कर रखते हैं, टेम्परेचर ठीक करके रखते हैं अर्थ का, वॉटर को हार्वेस्ट करते हैं, ये सारी चीजें वेस्ट हो जाएंगी. अब चार चीजें हैं जिन पे 100% क्वेश्चन आता है, इनको कहते हैं इविल क्वार्ट्रेट. सच अ ब्यूटिफुल स्लाइड. क्या कहते हैं इनको? इविल क्वार्ट्रेट. चार चीजें, क्वार्टर मतलब चार, इविल क्वार्ट्रेट. ये इविल क्वार्ट्रेट मतलब चार इविल चीजें. जैरेड डायमंड ने ये टर्म को दिया था. सबसे पहले बोला एलियन स्पीशीज का इन्वेजन, जैसे नाइल पे चिचलिड, नाइल पर्च को खा गई चिचलिड, राइट एवरीबॉडी. तो ये क्या एलियन स्पीशीज? इंडिया में आ गया लैंटेना, राइट. एलियन स्पीशीज डाल दिया. इंडिया में नहीं होता लैंटेना, पर बाहर से ऑस्ट्रेलिया से आ गया था. तो एलियन पार्थिनियम वीड जिसे कहते हैं, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, राइट. नाइल में चिचलिड रिवर, नाइल पर्च को चिचलिड ने, राइट. को एक्सटिंक्शन, एक गया तो दूसरा गया. अगर बेचारा यक्का प्लांट गया तो प्रोनुबा मौत गया, क्योंकि एक दूसरे के साथ रहते हैं, जन्म जन्म एक दूसरे के साथ रहने का इनका है. हैबिटेट लॉस. मैं नीलगिरीज में थी, नीलगिरी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, पूरे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में सड़क बना दी है. आप मुझे बताओ, अगर किसी नीलगिरी ताहिर ने माइग्रेट करना है, अगर वहां पे बानेरघट्टा नेशनल पार्क है, वहां मुदुबुलाई नेशनल पार्क है, टाइगर कंजर्वेशन के लिए पार्क्स बनाए हैं, आप मुझे बताओ टाइगर रात को वॉक कैसे करेगा बेचारा? टाइगर एक कोने से दूसरे कोने हंटिंग कैसे करेगा बेचारा? अगर आपने बीच में नेशनल हाईवे बना दिया है और वो नेशनल हाईवे पे दे धड़ाधड़ अगर ट्रक चल रहे, आपने बीच में रेलगाड़ी चला दी है, रोज एलिफेंट्स जो है वो रेलगाड़ी के नीचे आते हैं, तो आर यू डूइंग हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन? 100% यू आर डूइंग. सारे नेशनल पार्क्स के बीच में आपने सड़कें बना दी हैं, तो वो बेचारा एनिमल रात को उसकी आंखों में लाइट पड़ती है, वो मर जाएगा. गिर तक के नेशनल पार्क के अंदर थोड़ी सी आपने सड़क बना दी है, राइट. सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग हैबिटेट लॉस, यू आर फ्रेगमेंटिंग द हैबिटेट, एंड ऑब्वियसली ओवर एक्सप्लॉयटेशन, राइट. यू आर एक्सप्लॉयटिंग, ओवर हंटिंग इज हैपनिंग. शेर के क्लॉज का कोई ट्रेड चल रहा है, शेर की स्किन का कोई ट्रेड चल रहा है, बेयर की स्किन का कोई ट्रेड चल रहा है, यस, एलिफेंट के टस्क का ट्रेड चल रहा है. आप एक्सप्लॉयट कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज को. अगर मेरी क्लास में एक भी बच्चा बायोडाइवर्सिटी पे काम करेगा तो आई थिंक मेरा तो जिंदगी सफल हो जाएगी, बिकॉज वी रियली नीड काइंड कंपैशनेट पीपल टू वर्क ऑन बायोडाइवर्सिटी, राइट. तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन क्या है? आपने बड़े बड़े हैबिटेट्स को ब्रेक कर दिया है, वो कैसे माइग्रेट करेंगे, राइट. आपने सारे नेशनल पार्क्स के बीच में सड़क बना दी है, आपने बहुत बड़े बड़े जंगलों के बीच में ग्रेजिंग पास्चरल लैंड बना दिया है. फिर जब वो एलिफेंट अगर आपके फार्म हाउस में आ जाएगा, फार्म लैंड में आएगा, आप कहोगे एलिफेंट ने ह्यूमन पे अटैक कर दिया, फिर एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, यस और नो? पक्का नेक्स्ट टाइम अलीशा 110. सो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, फिर आप करोगे ये मैन ईटिंग टाइगर बन गया, एम आई राइट? बताओ. फिर वो बेचारा टाइगर भूखा है, फिर वो किसी किसी के गाय को ले जाएगा, या वो किसी यू नो डॉग को ले जाएगा, फिर आप बोलोगे ये तो मैन ईटिंग टाइगर बन गया है, अब इस मैन ईटिंग टाइगर को मार दो, बिकॉज आपने उसके जंगल में अपना घर बना लिया है. सो देयर इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन विच विल लीड टू मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट विच विल इवेंचुअली लीड टू किलिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ, राइट. को एक्सटिंक्शन, को प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिस्टिक मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा यही होता है. यक्का के साथ फ्रोनोबा मौत, हाइपेंथोडियम जो फाइकस फिग प्लांट में होता है उसमें गॉल इंसेक्ट उसको पॉलिनेट करता है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, लैंटेना जिसको पार्थिनियम वीड कहते हैं, वॉटर हाइसिंथ वो भी इंडिया में नहीं होता था, आइकॉर्निया, और सबसे नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया कॉजेस एक्सटिंक्शन ऑफ द चिचलिड फिश इन द लेक. नाइल पर्च डाल दिया बिना सोचे समझे, चिचलिड फिश जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई. एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, सी काउ पैसेंजर पिजन बेचारे एक्सटिंक्ट कर दिया, जा 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 कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी, अरे टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, भैया चिट्ठी कबूतर के पैर पे क्यों बांध देनी है? यस, फोन ही कर लो भाई, कोई दूसरा कोई और उठाएगा तो फोन कट कर देना,
कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 चला ही गया वो, कहता जाता हूँ भैया इससे अच्छा तो मार्स पे ही चला जाता हूँ। यस ओवर एक्सप्लॉयटेशन, आइवरी ओवर एक्सप्लॉयटेशन। आपने फिर एक चीज देखी, एक चीज बताते बड़ी अच्छी सी चीज है, यस कबूतर जा 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 कहता जाता हूँ मैं भाई, बहुत ही पका दिया इन्होंने मुझे जा जा करके। कई लोगों के गले में आपने पक्का देखा होगा, देखना कई लोगों के गले में ना आपने इस टाइप का पेंडेंट देखा होगा, इस टाइप का पेंडेंट गले में चेन पे बंधा होता है। इन सम एरियाज इट इज सेड कि ये पेंडेंट है ना बहुत मैस्कुलिनिटी आती है, ऐसा देखा है, यो लिख दो इसमें टाइगर का क्लॉ डालते हैं। कैन यू इमेजिन कितने करोड़ों टाइगरों को, हजारों टाइगरों को मारा होगा ये करने के लिए। भाई कौन सी मैस्कुलिनिटी आएगी किसी बेजान जानवर को मार के लाइन के टीथ डालेंगे। यस ऐसे लोगों को तो सड़क पर पिटाई करनी चाहिए। कैन यू इमेजिन, मुझे पहली बार मेरे मन किया कि पीटो ऐसे लोगों को, कितना उन्होंने बेचारे किसी पुअर एनिमल। देखो असली में कहती हूँ ना एकदम रियल बात तो वो होगी, भाई एक काम करो एक जंगली टाइगर लाइन लेकर आआओ और तुम निहत्ते, तो वो भी तो निहत्ता है, उसके हाथ में कोई गोली बारूद कुछ नहीं है, तुम असली लाइन टाइगर से मुझे लड़के दिखा दो, मैं तो भाई मान जाऊंगी तुम्हें। ये सर रोटी उपाई नगरी में भी तुम वहां पे बेचारे को एक जाले में बंद करके अपने पास इतना मोटा एक राइफल लेकर 10 लोग उस बेचारे एनिमल पे जाओगे हार्टलेस। यस असली तो तुम्हारी बात तब आएगी ना बेटा, जंगल में जाओ और जरा लड़के दिखा दो एक टाइगर के साथ, मान जाऊं मैं कि तुम तो टाइगर से भी ज्यादा बहुत स्ट्रांग हो। उसको ऐसे तो लड़ोगे नहीं, उसको बेचारे को पिंजरे में बंद करोगे, फिर गोली मारोगे उसको, यू नो उस बेचारे को एकदम तुम वो बेहोशी की दवा दे दोगे, फिर जाकर उसके ऊपर अटैक करोगे, पीछे से वार करोगे। यस हिम्मत है तो सामने जाओ एकदम उसकी तरह। एंड दिस ये बड़ा अपना पहचान कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूं, ऐसा पेंडेंट पहनोगे, उसको हंट करोगे। चाइनीज मेडिसिन में कितनी मेडिसिन में बेचारे एनिमल्स के क्लॉज डलते हैं, एनिमल के हेयर डलते हैं। यस सो इट इज, आई थिंक इट इज टोटल वेस्ट। आ जाओ तो हमने ये पढ़ लिया ये चारों चीजें, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है कॉस्मेटिक्स में, हर इंडस्ट्री में ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, राइट। सो मेनी पीपल आई हैव सीन, मैं आपको दिखाती हूँ क्रोकोडाइल स्किन के बैग है अमीर औरतों के पास, अमीर लेडीज के पास खुद 12-12 लाख 15-15 लाख का क्रोकोडाइल स्किन बैग। कैन यू इमेजिन, गूगल करो मेरे सामने क्रोकोडाइल स्किन, यार वो बेचारा क्रोकोडाइल उसकी स्किन का तुमने 12 लाख का बैग ले लिया, कैन यू इमेजिन। क्रोकोडाइल दिस ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सटिंक्ट हो गए बेचारे 12 लाख। जस्ट गूगल इन फ्रंट ऑफ मी, तुम्हें इंडिया के सबसे अमीर खानदान के मिल जाएंगे लेडीज क्रोकोडाइल स्किन बैग, देखो और फोटो यहां मेरे लिए भी डालो, मैं तुम्हें गूगल नहीं कर सकती, यहां तुम करो गूगल क्रोकोडाइल स्किन बैग सो कॉल्ड फैशन। ऑस्ट्रिच स्किन, ऑस्ट्रिच लेदर की जैकेट सबसे महंगी होती है दुनिया में, ऑस्ट्रिच लेदर गूगल करो, एक पर्सन है जिसने हजारों करोड़ों रुपए इंडिया के खाए हुए हैं, वो जाके ऑस्ट्रिच लेदर में की जैकेट में इंग्लैंड में पकड़ा गया है, देखो गूगल करो भी मेरे सामने निकल जाएगा नाम, मैं तो लेना नहीं चाहती लाइव क्लास में। ऑस्ट्रिच लेदर, क्रोकोडाइल लेदर, ऑल ऑफ दिस इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। यस एवरीबॉडी डन। तो ये रहे चार आपके इविल क्वार्टरेट, क्या है ये आपके इविल क्वार्टरेट है। नाउ तीन मेन रीजन होता है फॉर विच वी मस्ट क्वालिफाई, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नैरो यूटिलिटेरियन, ऑब्वियसली हमें फूड मिलता है, फाइबर मिलता है, जूट हेम्प, हमें ड्रग्स मिलते हैं, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन इवन टुडे आर द मोस्ट पोटेंट ड्रग्स फॉर कैंसर। विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन कहाँ से मिलते हैं, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन हमें कहाँ से मिलेंगे, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन प्लांट से मिलते हैं, मेडिसिन। ब्रॉड यूटिलिटेरियन, पॉलिनेशन होगी, खाना मिलेगा, क्लाइमेट को रेगुलेट करेगा, राइट, फ्लड को बचाएगा, सॉइल इरोजन को बचाएगा, इकोलॉजिकल का बैलेंस मेंटेन, और एथिकल। अगर आप सच में द वाइज वन हो, ह्यूमंस अपने को तो ह्यूमंस थिंक नो एंड ऑफ देमसेल्व्स, ह्यूमंस आर द मोस्ट इगोइस्टिक पीपल ऑन अर्थ, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो सेपियंस, द वाइज वन। अपने खुद के ढोल कौन पीटता है, ह्यूमन बींग, अपने खुद को ही आई एम वाइज। कैन यू इमेजिन, मतलब मैं यहाँ खड़े होकर अपने आप को बोलूं, मैं तो मिशलिन स्टार 7-स्टार कुक हूं, तो मेरे हाथ का खाना खा लो उंगलियां खा जाओगे। अरे कौन अपने आप को बोलता है भाई, अपना ही नाम, अगर टाइगर का नाम वाइज वन रखा होता ठीक है, टाइगर ने तुम्हारा नाम वाइज वन रखा होता फिर भी ठीक है, तुमने लायन का नाम वाइज वन रखा होता ठीक है, उल्लू ने तुम्हारा नाम वाइज वन रखा होता ठीक है, तुम खुद ही को बोल रहे हो भाई
मैं ही वाइज हूं, मैं होमोस। मतलब यार अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की भी एक लिमिट होती है, ह्यूमन बींग्स ने तो वो लिमिट ही पार कर दी है। कहते बाकी सब बेवकूफ है, वो उल्लू है यार, मैं वाइज वालू, मैं जिसका सर 360 डिग्री, तुम्हारा सर तो नहीं घूमता, उसका तो सर 360 डिग्री घूमता है, पर वो वाइज नहीं है ना ना ना, वो नॉक्टर्नल विजन भी रखता है बाबा, वो तो लल्लू है, उल्लू है वो, वाइज तो मैं हूं, मैं ही वाइज, खुद ही को वाइज बोल दिया। बट यार कुछ तो तुम्हारा एथिकल बनता है ना, एथिक होते हैं कोई, अगर तुम सच में ऑन टॉप ऑफ द फूड चेन हो और तुम सच में ह्यूमन बीइंग हो तो तुम्हारे एथिक्स बनते हैं कि तुम लोगों को प्रोटेक्ट करो। एवरी स्पीशीज हैज अ राइट टू लिव ऑन द अर्थ एंड इट इज इंपॉर्टेंट एज अ ह्यूमन बीइंग दैट यू अपहोल्ड दैट राइट। यस और नो? Yes, everybody. So there are two types of conservation that happen. One type of conservation happens when you conserve them in their natural resource. When you conserve them in their natural resource, it is called in situ conservation. When you conserve them outside their natural resource, that is called as ex situ conservation. In situ conservation, you have hot spots, you have protected areas, sacred forests, groves, lakes, biosphere reserves, right? Jahan par natural parks, national parks, right? टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाले बायोस्फीयर रिजर्व, पानी वाले सेक्रेट फॉरेस्ट ग्रोव्स, जहां पर बिल्कुल भी जो लोकल इंडिजिनस पॉपुलेशन होती है वो किसी को जाने नहीं देती। पर कई बार, अब मैं सारे एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, कई बार इनसे काम नहीं बनता, सो यू हैव टू वर्क एक्सिटू आउटसाइड। हो सकता है आपने होम गार्डन में कोई प्लांट उगाए हैं, आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, सीड बैंक्स में सीड रखे हैं, -196 डिग्री सेल्सियस पे क्रायो प्रिजर्वेशन कर रहे हो, बोटानिकल गार्डन या जूज बना के रखे हैं। आई हेट जूज, मैं कभी भी मैसूर गई हूँ, आई गो टू दिल्ली एवरी टाइम, आई नेवर स्पेंड 5 rupees इन जू। अगर आप मेरे रियल रियल स्टूडेंट्स हो, स्टॉप गिविंग मनी टू जूज एंड टू सर्कस। यस, एनिमल का काम आपको एंटरटेन करना नहीं है, एनिमल्स का काम जू के अंदर पिंजरे में आपको एंटरटेन करना नहीं है। आई नेवर एवर गो टू जूज and I don't spend any money there. I don't find it entertaining only. I find it as if I have to undergo torture by looking at the animal in a zoo. It is torturous for me. उस बेचारे को पिंजरे से बंद करना, तुम खुद सोचो, तुम पैंडेमिक में घर बैठे हुए थे, तुम बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तुम्हारी क्या हालत हुई थी उस लॉकडाउन में, सोचो। और तुम उस बेचारे मूक प्राणी को पूरी जिंदगी लॉकडाउन में ऐसे रखना चाहते हो। Yes, national parks, sanctuaries are places where you have to go, biosphere reserves. I love to go to biosphere reserves. I will spend money there, I will invest time, but I hate to go to zoos. I hate to go to these tiger factories, jahan doodh ki botal leke tiger ko pila rahe hai. Are, tiger kya doodh ki botal pila rahe usko? Yes, and I think as citizens of this country, as young people who have such a strong voice, you should raise your voice and you should speak up for conservation. That is why class 12th mein ye topic diya. Otherwise, class 12th mein is topic ko dene ka kya matlab hai? Class 12th mein is topic ka dene ka matlab hai, taki aap sensitize ho ki ye real issues hain. You are the real, you know, you are the future generation. You have to get sensitized to these issues, that these are genuinely real issues in the world. राइट, सो इन सीटो कंजर्वेशन वो होती है जब ह्यूमन बीइंग्स आप उनको उनके नेचुरल रिसोर्सेज में प्रोटेक्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स, राइट? अगर आप इन पे नेशनल पार्क आर स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ, वेयर प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, कल्टीवेशन नहीं है, ग्रेजिंग नहीं है, इंडिया में 90 नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज, प्रोटेक्शन इज गिवन ओनली टू एनिमल्स, प्लांट्स की कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे फायरवुड वगैरह हो गई, लोग कलेक्ट कर सकते हैं एज लॉन्ग एज दे डू नॉट हार्म द एनिमल्स। जब तक एनिमल्स को हार्म नहीं कर रहे, माइनर खाना लोग ले सकते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? स्लाइड दिखाई दे रही है? अगली बार ये बैकग्राउंड वाली स्लाइड्स में यूज नहीं करूंगी, प्लेन साइज ले आऊंगी, ठीक है? अभी लोकेशन क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क इज फॉर वन हॉर्न राइनोसरस। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें माफ करती हूँ, वन हॉर्न राइनोसरस के लिए है, और ये कहाँ है? असम में। सुंदरबंस जो है वो रॉयल बेंगल टाइगर के लिए, ऑलिव रिडली टर्टल बेसिकली ओडिशा में होता है, हजारीबाग में टाइगर के लिए है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट करूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिम कॉर्बेट
is for the Royal Bengal Tiger. Gir is for Asiatic Lion, very important. Kana is Tiger again. Tadoba itna important nahi hai, Tiger ke liye hai, Chandrapur mein. Bandipur is for Elephant and Mysore and Tiger. And Desert National Park Jaisalmer is for the biggest bird of the Indian subcontinent called the Great Indian Buster. राइट अब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए. दाची गांव जम्मू कश्मीर में है, ये मस्क डियर के लिए है जिसकी नाभि से खुशबू आती है. मुदुमुलाई नेशनल पार्क इज इन तमिलनाडु, इट्स बेसिकली फॉर एलिफेंट्स. नागार्जुना सागर इज इन आंध्र प्रदेश फॉर टाइगर. पेरियार इज फॉर एलिफेंट, इंपॉर्टेंट. चिल्का इज बर्ड सैंक्चुअरी इन ओडिशा, इंपॉर्टेंट. मानस इज इन असम फॉर टाइगर अलॉन्ग विद काजीरंगा. राइट अब आ जाओ आप बायोस्फीयर रिजर्व्स पे. बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं वो ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर बहुत एक तो बहुत वास्ट एरियाज होते हैं, बहुत बड़े एरियाज. ये इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए है, जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए. इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनसे छोटे एरियाज होते हैं नेशनल पार्क्स. अच्छा गाइस ये भी बता दूं, मंडे ट्यूसडे मैंने आपका कंप्लीट बॉटनी कंप्लीट जूलॉजी के टेस्ट रखे, पढ़ना शुरू कर दो. जिन एरियाज को प्रोटेक्ट किया गया है, ट्राइबल्स इनको प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ पर कोई आ नहीं सकता. मेघालय के ट्राइबल्स ने खासी और जयंतिया हिल्स को प्रोटेक्ट किया है. राजस्थान की बिश्नोई कम्युनिटी ने अरावली इसको प्रोटेक्ट किया है. मध्य प्रदेश में सरगुजा चंदा और बस्तर को ट्राइबल्स ने प्रोटेक्ट किया है. इन्हें कहा जाता है सेक्रेट ग्रुप्स. फॉर वेरियस रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस दीज एरियाज आर प्रोटेक्टेड. अगर यहाँ पर आपने देखा होगा कैसे सलमान खान पे केस कर दिया था बिश्नोई कम्युनिटी ने ब्लैक बक हंटिंग के लिए. राइट सो ये वो एरियाज होते हैं. आई नो साइराम नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट यूज दीज स्लाइड्स. राइट आई विल मेक इट वेरी प्लेन फ्रॉम द बैकग्राउंड, दैट इज आई एम यूजिंग अ रेड कलर. इज इट क्लियर? राइट तो हॉटस्पॉट्स वो एरियाज होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा वो पाए जाते हैं स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, उनको हॉटस्पॉट्स कहते हैं. बायोडाइवर्सिटी जहां पर बहुत ज्यादा है. वर्ल्ड में 34 हॉटस्पॉट्स हैं. कितने हैं? 34. ये 2% एरिया से लेस है बट इसमें 30% से ज्यादा स्पीशीज हैं. इंडिया में हॉटस्पॉट्स हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालयस. ईस्टर्न हिमालय सिक्किम वाला एरिया और वेस्टर्न घाट्स राइट इंडिया के दो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं. अगर कॉन्जर्वेशन आउटसाइड द नेचुरल रिसोर्सेज हो उसको XC2 कॉन्जर्वेशन कह रहे हैं. सेक्रेट ऑसम मतलब होता है जिस चीज की आप पूजा कर सको आउटसाइड देयर हैबिटेट्स. तो इनको नेचुरल हैबिटेट से बाहर लेकर जाते हैं. इनको हम जूज में जैसे देहरादून में बहुत बड़ा बोटानिकल गार्डन है, जीन बैंक्स में या क्रायो प्रिजर्वेशन इनका हम करते हैं. देखो हमने गैमीट्स को ऐसे रखा हुआ है, हमने इनको जू में रखा हुआ है देखो पिंजरा बंद करके. यस क्रायो प्रिजर्वेशन -20 डिग्री सेल्सियस में एग्स को गैमीट्स को रखा है, टिश्यू कल्चर किया हुआ है, जेनेटिक स्ट्रेन्स को रखा है. कॉमर्शियली प्लांट्स को आप किसी लेबोरेटरी या नर्सरी में या सीड बैंक में उगा रहे हो. ये सब क्या है? किसी सीड बैंक में उगाना, किसी जू में उगाना, क्रायो प्रिजर्वेशन करना राइट, आर्टिफिशियली उसको ग्रो करना, कल्चर लेबोरेटरी में ग्रो करना, उसको नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकालकर आर्टिफिशियली अगर आप करोगे वो उसका XC2 कॉन्जर्वेशन है. बहुत लोगों ने इंटरनेशनल एफर्ट्स भी डाले हैं सो दैट हम कंजर्व कर सके. रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 1992 में. इसके मेन गोल्स थे कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए, बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज हो और जेनेटिक रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए. वर्ल्ड समिट किया गया था सस्टेनेबल होनी चाहिए डेवलपमेंट. जोहानेसबर्ग साउथ अफ्रीका में 190 कंट्रीज ने प्लेज किया था कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे. शुरू हुआ था ये अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राजील से 1992 से. यस और यहां पर 1 घंटे 10 मिनट का ये लंबा सा मैराथन सेशन खत्म होता है. पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो गया. कल शाम को 5 बजे ही बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है जिसकी कहानी मैंने आपको आज सुनाई थी. इसीलिए आज मैं कोई कोर्स आपको नहीं दूंगी बिकॉज कल आपको वेट करना है और सबसे बड़ा इंडिया का कोर्स मैं आपके लिए
लेकर आ रही हूँ और सबसे छोटे प्राइस में. यस, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. कल सुबह 4:30 बजे टेलीग्राम पे वेकअप कॉल आपको मिल जाएगी. टेक केयर, बाय गाइज, बाय 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 गाइज, बाय बाय.